नाग नागिन के बदले की कहानियां तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन एक शख्स के सांप से बदले की इस सच्ची घटना को खुद देख लीजिए। जब सांप ने एक शख्स को काटा तो बदले में उस शख्स ने भी उसी सांप को काट लिया और सांप की मौत हो गई। हो गए ना हैरान? पर रुकिए, ये सच है, बिल्कुल सच, और ये हुआ है उड़ीसा में। अब कोई भी इस मामले को सुन रहा है तो हैरान हो रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो चलिए पहले हम आपको पूरा मामला बताते हैं और उस शख्स से भी मिलवाते हैं जिसके काटने से सांप भी नहीं बचा। दरअसल हैरान कर देने वाला ये मामला उड़ीसा के जाजपुर जिले से आया है। यहाँ एक शख्स ने गुस्से में सांप को काट लिया। बताया गया कि जाजपुर जिले के दानागढ़ी इलाके में किशोर बद्रा नाम का एक शख्स रात को अपने खेत से घर जा रहा था। रास्ते में कहीं सांप अपनी कुंडली जमाए बैठा होगा। उस शख्स के पैर खुले थे, उसने जूते या फिर पैंट नहीं पहन रखी थी, वो सादा चप्पलों में था। इसी दौरान सांप ने उसके पैर में डस लिया। किशोर को लगा कि कोई कांटा या नुकीली कोई चीज उसके पैर में चुभ गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, उसे सांप ने डसा था। किशोर नाम के शख्स ने टॉर्च जलाकर देखा तो उसे अपने पैर पर सांप दिखा। ये देख किशोर घबराए नहीं, उल्टा गुस्सा हो गए। उन्होंने गुस्से में सांप को उठाया और बदले में सांप को भी काटना शुरू कर दिया। किशोर इंतजार करते देखता रहा कि पहले किसकी हालत बिगड़ती है, पर फिर वो हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी ही देर में सांप मर गया। किशोर पहले की तरह बिल्कुल ठीक है। किशोर को खुद कुछ समझ नहीं आया और वो सांप को अपने घर ले आए। किशोर ने घर आकर अपनी पत्नी को सांप दिखाया तो वो भी हैरान रह गई। लेकिन ये बात पहले गांव में फैली और फिर धीरे धीरे देश का ध्यान भी इस घटना ने खींच लिया। आज तक ने भी किशोर से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। बर्तमान मारे जीवा टाइम रे जीवा टाइम रु चीते सपटा मारे जमती धरली धरिक तो देखिलु हां दरटा माने धरली देखिले माने टॉर्च लाइट ता मार देली माने चीते सपटा तापर कोन कलो नै की गली कामड़ी देली कामड़ी की गली गरको तापर तापर पूरा ताको गुंड कर देली ता रक्तटा सब खाइ देली सप को मरियला ना बंचितला मरी हो तापर मेडिकल जाइतले तुम हां मेडिकल तापर डॉक्टर कोन कहले डॉक्टर कहले किछ हबनी तमे तो सप कामड़ी देछु को मेडिकल जेतलो को मेडिकल डबरी डबरी गाड़ी संदी ओटा गाड़ी ओटा छी ओ सेठी जेतलो एबे तुम ठीक ठाक अछो हां ठीक अछे बर्तन किछ अपने कहले छी जब ये खबर गांव वालों को पता चली तो उन लोगों ने किशोर को तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दी। लेकिन किशोर ने सभी की बात से इनकार कर दिया और वो पारंपरिक उपचार के पास चले गए और खुद को दिखाया। इसके बाद पता चला कि सांप के काटने से युवक पर थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ा है। खैर, इस किस्से पर जितना यकीन करना मुश्किल है उतना ही दुख उस सांप के लिए भी है। अब इस घटना की चर्चाएं जमकर हो रही है और लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं।